Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are having a special guest with us, Mr. Khoda Babar, who is a senator from Balochistan, Pakistan. And let me tell you, as you can see as well, when I was going through his profile, so I felt that I'm going to have an interview with the person who must be over 50, you know, having, you know, very senior kind of person. But once we spoke over the phone and I saw the photograph, I came to just relax mode that mashallah se ek young energetic senator hain aur zyada introduction inka hum aapke saath lenge inke bare mein aur janenge aur saath saath jo aaj ka hamara topic hai uske upar baat karenge, Balochistan ke peace pe baat karenge, prosperity pe baat karenge. Sir, assalam alaikum. Walaikum salam, Raja sahab, bahut bahut shukriya. सबसे पहले शुक्रिया मुझे जवान कहने का. बड़ी खुशी भी खुशी होती है हम जैसे लोगों को जब हमें कोई जवान कहता है. तो आतिक भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और हमारे यूथ को इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी फील्ड में उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बारे में या बाकी आपके मैंने दो तीन प्रोग्राम देखे हैं. तो वो आप लोग रियली अप्रिशिएट कि आप जैसा काम कर रहे हैं यूथ के लिए और आप जैसे लोगों को काम करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक बात है जो कहते हैं दुनिया में जो रिसोर्स होता है इंसान की किसी भी मुल्क का, वो सबसे बड़ा उसका सरमाया होता है उसका नौजवान, और बेरोजगार नौजवान तो सबसे बड़ा सरमाया होता है. फिर वो गवर्नमेंट का उसको यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा होता, गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको किस तरह से शेप दे, उसको कैसे मुल्क के लिए कारामत बनाए. जो कुछ नहीं कर रहा वो सबसे ज्यादा कारामत हो सकता है किसी मुल्क के लिए. तो मेरे मुल्क में, हमारे मुल्क में माशाल्लाह से काफी सारे लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, जो यूथ हैं, और उनका उनको काम दिलाना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. तो ये जो आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो हम इंशाल्लाह अपने इसमें बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, उसमें हम मेरा फोकस ही यूथ ही होगा कि वो कैसे इन सारी चीजों में जो बलूचिस्तान में स्पेशली अभी जो काम हो रहा है, तो इनमें कैसे हमारा नौजवान भी हिस्सा ले सकता है. तो मेरा ताल्लुक चूंकि ग्वादर से है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चाहूँ. मैं कोई 2001 या 2002 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने आप कहें कि समाजी कारकुन की तरह हैसियत से, क्योंकि मेरा नाम आप देख रहे हैं सरनेम कौदा, कौदा का मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं जो कोई इलाके का बड़ा होता है, सरपरस्त होता है, लेकिन मैंने उसके लफ्जी मायने हैं, लेकिन असल मायने जो हैं मेरे ख्याल से उसके किसी खादिम के हैं, सर्वेंट के हैं. तो मैं कहता हूँ कि मैं सर, आई एम द सर्वेंट ऑफ ग्वादर एंड नाउ आई एम द सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफकोर्स बींग अ सैनिटर. सो तो हम आप लोगों के खादिम हैं और आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला. अल्लाह ताला ने जो दो साल पिछले मिले थे सेनेट में, उससे पहले मैं एडवाइजर रहा हूँ वजीर आला बलूचिस्तान का, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उनसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेम्बर रहा हूँ ग्वादर से. तो शुरू से ही इन कामों में थे, लोगों के साथ बड़ा क्लोज एक अट्रैक्शन रहा है, स्पेशली जब मैं भी यूथ था, व्हेन आई वाज 135 ईयर्स. सो तो तब भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो हमारे हाथ हो रहा है वो करते हैं, जा रहे हैं. तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके, जो आपके जहन में सवालात हैं जो हमारे यूथ जानना चाहते हैं स्पेशली मुझसे और बलूचिस्तान के बारे में, तो जरूर मैं जवाब देने के लिए तैयार. बहुत मेहरबानी कहो तो बाबर साहब, काइंडली स्टार्ट करते हैं इस सवाल से कि थोड़ा सा बलूचिस्तान का जियोग्राफिकल जो मोहल्ले वकू है, थोड़ा बलूचिस्तान की जो खूबसूरती है उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है देखें. बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपको पता है 47% ऑफ पाकिस्तान है जमीन रकबे के हिसाब से, और बलूचिस्तान में माशाल्लाह हर मौसम, हर मौसम हमारे पास आप देखें, हमारा जो कोस्टल लाइन है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन बेल्ट हमारे पास है. बीचेस हैं आपके पास बहुत खूबसूरत, इसी तरह से आप ऊपर जाते हैं तो हमारे पास तुर्बत का एरिया है या पंजूर का एरिया है या हमारे पास खुजदार है, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास मौसम देखने को मिलता है. गर्मियों में सख्त गर्मी होती है, सर्दियों में सख्त सर्दी होती है. उसी तरह से अगर और उस तरफ हमारे पख्तून एरिया, बलोच, ये बलोच एरिया है आगे ऊपर सिब्बी से उस तरफ, और क्वेटा से ऊपर पख्तून एरिया है, फिर उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ज्यारत है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत जगह. टूरिज्म के हिसाब से अगर आप देखें
तो बलूचिस्तान में हर मौसम के साथ हर किस्म के टूरिस्ट के लिए, और जी किसी को अगर पहाड़ पसंद है तो वहां पर ज्यारत है, किसी को अगर बीचेस पसंद है तो वहां पर ग्वादर से लेकर डाम से लेकर अब चौकी से लेकर जीवनी तक हमारे पास माशाल्लाह बीचेस हैं, और किसी को रेगिस्तान टाइप की चीजें देखनी है वो भी बीच में अवेलेबल है, और हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा जो हमारा पार्क है अंगोल नेशनल पार्क, इन बिटवीन ग्वादर टू कराची आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत बड़ा ह्यूज है अंगोल, जहाँ पे आप इंतहाई खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। तो बेसिकली इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, और बलूचिस्तान और एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान ओवरऑल हमारा देखें ये है तो पाकिस्तान नहीं, तो पाकिस्तान में ये सारी खूबसूरतियां हैं माशाल्लाह। अगर साधन नादन एरियाज में जाएं, मैं गया था तो आई वाज शॉक के मैं यूरोप भी देख चुका हूँ, मैं बाकी मुल्क भी देख चुका हूँ, मैंने बहुत सारे मुल्क घूमे हैं, लेकिन मैंने जितना खूबसूरत अपने मुल्क को देखा है कश्मीर नादन एरियाज ये वो मुझे नहीं लगता कहीं और है। बस सिर्फ बात यह है कि हमारी नीयतें सही होती हैं और हम इसको डेवलप कर पाते तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता, और अभी भी देर नहीं हुई, हर चीज एक वक्त होता है और उस वक्त में उसका काम हो जाता है अल्लाह की मेहरबानी से, वो चीजें पूरी होती हैं, नीयतें साफ होनी चाहिए। तो बीच में हमारा COVID-19 का मसला है कि आपको पता है गवर्नमेंट ने बड़ा प्रमोट किया टूरिज्म को, स्पेशली हमारे कोस्टल बेल्ट को नॉर्दर्न एरियाज को, गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड थी उस पर, काम कर रही थी और सीरियसली काम करने जा रही थी, लेकिन हुआ यूं कि COVID-19 की वजह से आपको पता है दुनिया में ही ये सारा इशू चल रहा है। तो ये बलूचिस्तान की खूबसूरती और ये हमारी पूरे मुल्क की खूबसूरती इंशाल्लाह ताला पूरे दुनिया में भी दिखेगी जब ये मसले हल होंगे और जब ये COVID-19 से हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत है जी बलूचिस्तान। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँगा जैसे आपने किया है बात के, मेरा यहाँ से जब सफर शुरू हुआ तो मैं उरमाड़ा जा रहा था, तो हब से जब हम लोग निकले तो आप यकीन कीजिए कि आई फेल्ट लाइक टू बी समवेयर यू नो इन द डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने बोला यार ये दुनिया का कोई अलग सा खिता है, जहाँ पे आपने जैसे बात की कि पहाड़ों का एक ना ख़त्म होने वाला खूबसूरत सिलसिला है, एंड इट मिसमराइज यू, वो आपको इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि आपका दिल करता है आप इनको देखते रहें। और फिर बीचेस का सिलसिला भी ऐसा है, कुंड मलिर से शुरू होता है और वो बस जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। आपके तवसत से यहाँ पर, आपके चैनल के तवसत से हमने अपने सारे नौजवानों को, स्पेशली नौजवानों को, बाकी अपने मुल्क के सयाहों को या वैसे ही भी लोगों के पास यहाँ पर नहीं है कुछ भी जाने को देखने को, हमारे पास माशाल्लाह से ये कोस्टल हाईवे डेवलप्ड है पूरा मकरान कोस्टल हाईवे के नाम से, वो वहाँ आप तो ट्रेवल किया है आपने, आपको आइडिया है वहाँ। इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी काम कर रही है, मोटेल्स बना रही है और ग्वादर में भी होटल्स हैं और चीजें हैं। मुझे दावत देता हूँ मैं पाकिस्तान के सारे यूथ को कि जरूर आए अपना मुल्क देखें, लेकिन अभी नहीं, अभी COVID-19 के लॉकडाउन को खत्म होने दें, इसमें अभी आप घर पे रहें, सेफ रहें। और मेरी सबसे आपके तवसत से ये भी दरख्वास्त है कि अभी मैं जैसे अपने घर पे बैठा हूँ तो मैं ईजी हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो जब आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें और हैंड वॉश करें जब बाहर से आए या घर पे भी 20 सेकंड तक, जो WHO के हैं, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं आपको, आपको हर चैनल्स पे, मीडिया पे, यहाँ वहाँ से अवेलेबल हैं, वो आप प्लीज स्टे होम स्टे सेफ। ग्रेट जी, ऑडियंस व्यूअर्स आपके पास मैसेज आ रहा है, आप देखिए कि सेनेटर कौडा बाबर साहब भी आपको वही बात शेयर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से बात हो रही है कि गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम करने का मकसद है वो ये है कि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि कोरोना वायरस छुट्टी पे चला गया है और अभी ये जो है ना वो फैल नहीं रहा है, हमें इसको इसके लिए एहतियात, हमें जो भी हमारे प्रिकॉशन थे उनको बिल्कुल ये प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेना होगा और हमें उसके मुताबिक जो है वो फॉलो करना होगा इनकी डायरेक्शंस को। अच्छा सर, एक बहुत मशहूर है बलूचिस्तान की चीज़, बलूचिस्तानों के लोगों की एक खासियत है जिसको हम बोलते हैं मेहमानदारी, हॉस्पिटैलिटी, तो इसके ऊपर मैंने तो इसको एंजॉय किया है, वक्तन फवक्तन में जो है ना वो चक्कर लगाता रहता हूँ, तो आई फील लाइक टू बी माई सेल्फ यू नो, वो कई दफ़ा पूछते हैं ना कि जी आपका ताल्लुक किधर से है, तो मैं बोलता हूँ जी मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा पूछता है, मैं बोलता हूँ मैं सिंध से हूँ, कभी पंजाब से हूँ, तो इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, इतने खूबसूरत हमारे इलाके हैं और हर इलाके की एक अपनी अपनी खासियत है, क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर मैं चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी जो बलूचिस्तान की है उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें।
देखें जी, मैं तो यही कहता हूं कि हमारा जो गरीब से गरीब बलोच भी है, जो किसी आप गांव में देहात में जाते हैं, वो आप जब पहुंचोगे आपके लिए बकरा नहीं काट सकता तो मुर्गी जरूर काट के देगा आपको। यानी कि अगर कोई सब्जी खो रहा है तो वो बलोच के घर ना जाए, क्योंकि वो उसको सब्जी नहीं देगा। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मैं भाई बड़ा अपने आप को वेजिटेरियन टाइप बन के और डाइट पे जाके किसी बलोच के घर चला गया देहात में, कहता है वहां अभी कोई भी ऐसा, चलो हमारे एरिया में हमारे बेल्ट में तो मछली मिल जाती है और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो कहता है मैं जाऊं तो बकरे काटे हर जगह। कहता है मैं बोल ही नहीं सका बलोचों को कि भाई खुदा के लिए मुझे सब्जी खिलाओ, मैं सब्जी खोर हूँ। तो ये तो बलोचों में जी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और बलोच नहीं, मैंने ये तो हर हर पाकिस्तान कुछ शहरी हमारे कुछ हम लोग जब शहरी बन गए हैं कुछ शायद हम थोड़ा सा मेहमानदारी मेहमान नवाजी अपना तहजीब या अपना कल्चर भूल गए हैं पाकिस्तानी। अदरवाइज हमारे पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से, मैंने एक एक मैं यहाँ से जब मैंने आपको अभी बता रहा था कि नादन एरिया में गया, वहां पर भी मुझे वो एक वो जो फिश आता है ट्राउट फिश क्या बोलते हैं उसको, तो वो मुझे वो उससे जो पता चला कि मैं यहाँ बलूचिस्तान से आया हूँ, तो उस बंदे ने मुझसे पैसे नहीं लिए, इट डिडंट चार्ज मी, वो हालांकि वो होटल वाला था। तो मेहमान नवाज तो माशाल्लाह से हमारी पूरी कौम है और ये शायद हमारे ब्लड में है सबके, और अल्लाह ताला हमें ऐसा ही रखे। हम जरा शहरों में आकर मेहमान नवाजी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम दावतें रख लेते हैं दोस्तों के लिए। वहां पर ये होता है कि अनजान लोगों से भी मोहब्बत होती है लोगों को, असल में गर्ज नहीं होता किसी चीज का, जब इंसान को जब इंसान बेगर्ज होता है किसी से किसी का कोई मुफाद नहीं होता, तब वो किसी के लिए कुछ करे जो जिसके हमारे दीन भी हमें तलकीन करता है और ताकीद करता है और तालीम देता है। तो मेरे ख्याल से वो तो फिर इस्लाम में है, और वो बलोचों में तो इस्लाम से पहले शायद बलोचों में ये अपने आप को बिल्ट इन है कि वो लोग ऐसे हैं, मेहमान नवाज हैं, और शुक्र है अल्लाह का, और रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कि वो बाद में अंग्रेजों की तरह कभी हमारी कौम बने। सर इसको प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, और बलूचिस्तान के अमन के हवाले से जो हमारे इदारों की मेहनत है इन सब सालों के अंदर, उसके ऊपर में आपका जो ओवरव्यू है, आपका जो एक एक्सपीरियंस है, एक आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो सुनना चाहूँगा। जी हमारे पास बेसिकली बलूचिस्तान में अमन का मसला वक्तन फवक्तन रहा है पिछले जब से हमारी आज़ाद हुआ है पाकिस्तान तब से। रीज़न ये रहा है कि बलूचिस्तान में बलोचों को सबसे पहले अपने हकूकों के लिए इशूज थे कि भाई उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, तो उसमें उनकी कुछ फेडरल गवर्नमेंट की गलतियां थी, जो वफात था हमारा उस वक्त, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक नहीं दिए, या बलूचिस्तान के वो पॉलिटिशियंस या वो सियासतदान जो बलोचों पर हुक्मरानी करते थे या बलूचिस्तान पर हुक्मरानी करते थे, उनको अगर कुछ मिल भी जाता था तो वो सही तरीके से बलूचिस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचता था। उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में कुछ वक्तन पवक्तन गलतफहमियां पैदा होती रहीं फेडरल गवर्नमेंट से स्टेट से, तो उनमें कुछ लोगों ने बंदूक भी उठा लिए, कुछ लोग मुल्क के खिलाफ भी चले गए, लेकिन वो बहुत कम लोग थे जो इस तरह कर रहे थे, लेकिन ग्रीवेंसेस सबकी थी। हर बलोच इस बात का वो था कि मुझे उसके हकूक दिए जाएं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात चेंज हैं, अब जब से कोई मैं 8-10 सालों से देख रहा हूँ कि हमारे स्पेशली जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो, और फिर ग्रेजुअली एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, बलूचिस्तान में काम होना, ये सारा काम असल में मैं आपको सच बताऊं, ये सारा काम शुरू हुआ 2000-2001 से, ये जब जब बलूचिस्तान को फोकस किया गया प्रॉपरली बलूचिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान के ग्रीवेंसेस को बलोचों के ग्रीवेंसेस को खत्म करने के लिए उस जमाने में, अब मुशर्रफ साहब को मैं डिक्टेटर कहूँ या जो भी कहूँ, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं वो मेरे सामने हैं, तो कि मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि उन्होंने स्टार्ट किया एस्टेब्लिश किया इन सारी चीज़ों को उस जमाने में 2001-2002 में, मकरान कोस्टल हाईवे का बनाना, ग्वादर पोर्ट का बनाना, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लसबेला वाला रोड है वहाँ उस पर काम शुरू होना, हमारे पास अल्लाह भला करे आपका ये मीरानी डैम का बनना, ये डैम बने, कोस्टल हाईवे बना, हालांकि उस वक्त कहते थे कि मकरान कोस्टल हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं चलती थी, तो ये बड़ा ये फिजिबल नहीं था इकोनॉमिकली कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उन्होंने की, ग्वादर पोर्ट
कराची से जोड़ा, एमेट का काम शुरू करवाया जो ग्वादर को बाकी बलूचिस्तान से जोड़ता है पोर्ट को, तो वहां से बलूचिस्तान में जब कहते हैं ना रोड बनते हैं तो तरक्की, या रास्ते बनते हैं तो तरक्की छल के आती है, तो रास्ते बनने, जब रास्ते बने तो एक दूसरे तक जब रसाई हुई लोगों की, इंटरेक्शन बढ़े पाकिस्तान में एक दूसरे से लोगों के, तो ग्रीवेंसेस का ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट को पता चला। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस हिसाब से फिर स्टेप्स लिए, हर गवर्नमेंट ने, मैं कहूंगा हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट है उसने भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे उनसे पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने भी स्टेप्स, जितने भी फेडरल गवर्नमेंट आए फिर उन्होंने बलोचों को, बलूचिस्तान के लोगों को अपने आप से करीब करने की कोशिश बहुत की। फिर सबसे बड़ा हाथ जो उसमें था, कुछ लोग जो, लेकिन उस तो सीधी सी बात है कि वहां पर हमारे पास जब ये ग्रीवेंसेस थी लोगों की, तब अपॉर्चुनिटी थे हमारे, तो दुश्मन थे उनके लिए, जो लोग गंदे हाथों में, दुश्मनों के हाथों में जा सकते थे, फिर वो दुश्मनों के हाथों में भी गए, दुश्मनों के हाथों में, मैं साफ अल्फाजों में कहूंगा इंडिया। आपने देखा अभी कुलभूषण यादव को पकड़ा कुछ अरसे पहले हम लोगों ने, वो क्या कह रहा था, इसीलिए आया हुआ था बलूचिस्तान के लोगों को उकसाए, बलूचिस्तान के लोगों को, या वो लोग जो एजेंट्स बन गए हैं अब इंडिया के, उनको उनको इस तरह से यूज करे स्टेट के खिलाफ, या हमारे इवन खिलाफ, जो हम बैठ के मुल्क में सूबे में बैठ के ये बात करते हैं कि सिर्फ कौम की नहीं, इतनी एक देखें बलोच कौम की बात नहीं करनी, बॉर्डर सतह पे जाकर आप नेशनलिज्म की बात करनी है, जो कौमी सतह पर पाकिस्तानी होने की बात करनी चाहिए, ताकि ये मुल्क एक, इस मुल्क को ओन करना है सबसे पहली बात। पाकिस्तान को जिस दिन हम मौन करेंगे उस दिन ये सारे, ये जितने हमारे दुश्मन हैं, जितने हमारे लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के पीस को खराब करने की बहुत कोशिश की, फंडिंग की, लोग पकड़े गए उनके, हम जानते हैं, सब जानते हैं, अभी भी जो कुछ वाकयात पिछले सालों हुए हैं उनमें भी सीधा सीधा इंडिया इन्वॉल्व होता था, और कुछ बलोच लड़के थे जो गलत रास्ते पे चल पड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हालात नहीं है। अब बलूचिस्तान, मैं ये कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, आप आकर विजिट करें पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे पुरमन तरीन सूबा आज अगर कोई है तो वो बलूचिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें सिर्फ हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का नहीं, हमारे बलोच कौम का हाथ है, हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम का हाथ है, जिन्होंने सपोर्ट किया ग्रीवेंसेस खत्म करने के लिए बलूचिस्तान के लोगों के, हाथ है वहां पर हर एक दानिश्वर, हर एक समझदार इंसान, हर एक पालिका इंसान जिन्होंने हर बलोच को समझाया, जो समझ सके वो समझ पाए, जो नहीं समझे वो या तो जाया हुए हैं या तो भाग गए हैं, मुल्क में नहीं है। और फिर अगर मुल्क के बाहर बैठ के कोई बात करता है तो फिर उसका मेरे ख्याल से उसकी बात की इतनी औकात नहीं होती। और मैं यहाँ पर इस बात को भी आज आपके पास रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले एक इंडियन मेजर अपना सोशल मीडिया पे, हमारे मीडिया पे चला था, वो बड़ा शोर कर रहा था कि ये देखें बलूचिस्तान के फिलां सरदार, फिलां सरदार, मेरे ख्याल से उन तमाम सरदारों ने भी जवाब दे दिया है सोशल मीडिया पे कि हम भाई तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये बलूचिस्तान का पीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूँ पीसफुल तरीन सूबा है, अल्लाह नजर बद से बचाए, और अल्लाह ताला इसी तरह से तौफीक दे हमारे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उनमें आर्मी हो या लेवीज हो या पुलिस हो या हमारी एफसी हो या जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने गांव को संभाला है, कोई कोई सरदार हो, कोई नवाब हो, जितने भी लोग हैं, जितने बलूचिस्तान के अवाम हैं, जो कोई गरीब माईगीर हो, जिसने भी इसको इस अमन को लाने में जो कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला उनको और वो इस अमन को बरकरार रख सकें। और अब तो देखें, पहले तो ग्रीवेंस तीना के कारोबार नहीं था, रोजगार नहीं था, चीजें डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सही नहीं था, एजुकेशन नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बहुत बदल चुके हैं, अब चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अगर ये अब तो मैं अगर कहूंगा तो लगेगा कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ एक के नहीं ये कोविड 19 का, लेकिन अगर कोविड 19 नहीं आता तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ग्वादर में इन पिछले 2-3 महीनों में कोई 10,000 के करीब नौकरियां लोगों को मिलती है, उसमें मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि कैसे मिलती है। ग्वादर पोर्ट जो अनफंक्शनल था, पहले फंक्शनल नहीं था, उसको हमने फंक्शनल किया, वहां पर पोर्ट में काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अफगान ट्रांसिट ट्रेड का। तो अफगान ट्रांसिट ट्रेड के काम से जो चीजें अभी एस्टेब्लिश होंगी उसमें लोगों को जॉब मिलती या अभी मिलेंगी भी जरूर, तो सारा शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, या आ चुकी है, स्कीम का डेट था या उन्होंने शायद थोड़ा सा आगे पीछे किया है लॉकडाउन और ईद की वजह से, रमजान की वजह से, लेकिन रमजान के बाद से ये सारे शुरू हो जाएंगे जिसमें 5 लाख
6 लाख टन गंदा मानी, उससे एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा एयरपोर्ट जो है ग्वादर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा इंशाल्लाह, वहां पर बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी। हमारे पास पावर प्लांट ग्वादर में बनने जा रहा है जहां पर जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी। हमारे पास जो ये एक्टिविटी एस्टेब्लिश होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एस्टेब्लिश, उससे खुद से ही आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब्स पर एयरपोर्ट बनता है, ट्रैवल एजेंट्स आके बैठते हैं उसमें, बहुत सारे काम होते हैं, पावर प्लांट लगता है उसी तरह से, बिजली बनाने घर बनाने में लोगों को काम आता है, पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आते हैं काम करते हैं। गवर्नमेंट ने जो काम करने थे वो कर दिए हैं, अब वो स्टार्ट इनके टेक ऑफ पे थे, लेकिन COVID-19 आ गया, लेकिन उससे भी मैं कहता हूँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपके पास आप देखें ना, आपने कई मुसीबतों में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती हैं, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा किया, जब बहुत सारे मुल्क हमारे पास उस तरह से डैमेजेस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का नहीं है, लोग उस तरह से यानी कि आप अगर कहें कि अमवात का रेट हमारे पास शरा कम है, ये नहीं कि लोग इजी ले लें इस बात से COVID-19 को, उसको कोरोना वायरस को इजी नहीं लेना, लेकिन इनके हमारे पास अमवात का शरा कम है, हमें इसको एहतियाती तदाबीर जो SOPs बनते हैं उसके तहत हम लोगों को अपने पोर्ट को, ग्वादर पोर्ट को, ग्वादर एयरपोर्ट पे जैसे काम शुरू किया है वहां पर, ये सारी चीजों को स्टार्ट करके इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को हम बेहतर तरीके से अगले 1-2 साल में वहां पर इतनी जॉब्स क्रिएट करें कि बलूचिस्तान के लोग खुद बाकी पाकिस्तानियों को दावत दे रहे हो और उनको बोल रहे हो कि आए हमारे पास, प्लीज हमारे पास काम करने के लिए जगह बहुत काफी है। तो ये सारी चीजें, ये तरक्की, ये सब कुछ यही पीस से रिलेटेड है, ये काम हो चुका है इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे और मैं अंदर रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ आपको कि अल्लाह ताला कोई इस तरह का वबा, इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजों से हम सबको पना दे और निकाले, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान में अगले 2 सालों में जो तरक्की होगी वो पाकिस्तान की तरक्की होगी और वो बहुत मायने रखेगी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही राज साहब। Can you hear me now? Yeah, exactly. तो आपकी बात से ये समझ आती है कि एक वक्त था, कुछ हालात ऐसे थे जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की भी गलतियां थी और कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ भी नहीं आ सकी कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बेहतर होता गया, गवर्नमेंट जो स्टेट थी उसने भी रियलाइज किया कि हमें जो है वो मिल के चलना है, मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया वो एक हमारी प्रीवियस मुशरफ गवर्नमेंट थी जिसके अंदर कोस्टल हाईवे का एक इनिशिएटिव लिया गया, फिर ग्वादर की डेवलपमेंट का, तो इन चीज़ों ने हम कह सकते हैं कि जब जरिया माश पैदा हुए तो अमन की सूरत हाल में बेहतरी आई, और जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, हमारी ग्वादर पोर्ट जो है वो फुली एक्टिवेट हो जाएगी, CPAC हमारे पास काफ़ी हद तक जो है वो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, तो वी से दैट this peace is directly proportional to prosperity. Peace जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, prosperity बढ़ती जा रही है, job opportunities पैदा हो रही हैं, तो आइंदा आने वाले जो वक्त है उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह खुशहाली भी बढ़ेगी, अमन भी बढ़ेगा, और बलूचिस्तान जो है वो न सिर्फ एक अमन का completely गहवारा बन जाएगा बल्कि वो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी जो है सपोर्ट पैदा करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरी बातों का मकसद भी यही था। अब देखें ना आप, 2008 में, 2008 से पहले हमारे मुल्क के हालात कैसे थे, तो हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हमारे आवाम के साथ मिलकर जो मुल्की हालात में बेहतरी आई, तो उसके बाद मैशियत का पहिया चला, उसके बाद ही मुल्क में बेहतरी। ये देखें आप कभी भी किसी भी मुल्क की तरक्की को वहाँ के अमन के बगैर नहीं ला सकते। एक इन्वेस्टर जहाँ पर आएगा वहाँ जाएगा जहाँ उसको पैसे के साथ उसकी जान भी प्यारी होती है उसका। और फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से भी माला माल सूबा है हमारा, और ये इमरान खान साहब ने गलत नहीं कहा था कि एक हमारा रिकॉर्डिक जो है वो पूरे पाकिस्तान का डेट जितना भी है वो सारा उतार सकता है, लेकिन नीयतें सही होनी चाहिए हमारी, हमारे बलूचिस्तान के आवाम के लिए यही सारे। मैं नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात इसलिए की थी कि वो बलूचिस्तान का कुछ
लूट के कोई उस पर भी ये भी कंट्रोवर्सी बन गई थी ये बात भी कि उन्होंने जो की थी कि क्रिकोडिक जो है हमारा सेंदिक जो है ये हमारे पाकिस्तान का उदार चुकता कर देगा, तो उसको भी गलत तरीके से ले लिया गया था। हालांकि उनका मकसद सिंपल था कि ये हम माला माल है, हमारा सूबा माला कुदरती वसाइल से माला माल है, दूसरी तरफ हमारे पास इतना डीप सी है जहाँ पर फिशिंग है हमारी। आप देखें ना, आप सबसे बड़ी चीज एक देख लें, हम जो है बलूचिस्तान के पाकिस्तान के लोग अभी तकरीबन हमारा जो एक्सपोर्ट है सी फूड का वो मेरे ख्याल से कोई 4 मिलियन या 40 मिलियन डॉलर है, इतना है टोटल 40 मिलियन डॉलर, जब आज से 50 साल पहले 20 मिलियन डॉलर था। 50 सालों में सिर्फ डबल किया है हमने, और वहीं पे आप वियतनाम को ले लें, थाईलैंड को ले लें, चाइना को ले लें, जिनका जीरो था एक्सपोर्ट, अब वो बिलियंस में चले गए हैं। क्या किया है, फिश फार्मिंग, हमारे पास इतना बड़ा सी है, कोस्टल लाइन है, कोस्ट बेल्ट है, वहां पर फिश फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, श्रिम फार्मिंग कर सकते हैं, उसके जरिए से अपने सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जो अगले 2-3 सालों में उस पर अगर हम फोकस करें तो वो हमें बिलियन के एक्सपोर्ट दे सकते हैं, वो तो किसी सोना चांदी से भी बढ़कर हमारे लिए एक चीजें हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज है, अवेल करना है, नीयतें साफ करके बेहतर करना है कि वो हमारे कौम के, हमारे युद्ध के काम आ सके, हमारे पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के काम आ सके। अब ग्वादर अल्लाह ताला ने आप लोगों को और हमें पूरे पाकिस्तान को देखें, ऐसे ही नहीं सीपैक आया है, वहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखकर आपके चाइना आपके पास आया है। चाइना एक्सपोर्ट करता है दुनिया को अपनी बहुत सारी चीजें, चाइना ने बहुत सारे जो अपना उनका जो ओल्ड सिल्क रूट है उसको उन्होंने अपने न्यू मैरिटाइम कनेक्ट करना है, वो उसका सेंटर पॉइंट बनता है ग्वादर से काशगर वाला रूट जो आपका पाकिस्तान वाला रूट है, उस सारे उसके जो बाकी 5 जो कॉरिडोर्स हैं उनका सेंटर पॉइंट है, तो वो इस उनके सारे बिजनेस को एस्टेब्लिश खड़ा कर सकता है। उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करें, हम अपने मुल्क में अपने लोगों में इस शऊर पैदा करें। अभी जैसे पहले ग्वादर पोर्ट में टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह नहीं थी, तो अब टैक्स एग्जेम्पशन हैं, चीजें हैं। मैं गया था अपने तमाम पाकिस्तान के तकरीबन जो हमारा जो इंडस्ट्रीज का है, क्या है उनका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है, वहां मैं उनके पास गया था, मैं वहां पे सारे बिजनेसमैन से मिला, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप आए, अभी ग्वादर फैक्ट्री एक दिन में तो नहीं लगती, तो वो टैक्स एग्जेम्पशन के बाद ग्वादर में आकर पाकिस्तान के लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है फॉर नेक्स्ट 23 ईयर्स, देयर टैक्स ऑलरेडी इज देयर, जो पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, तो वो प्लस पोर्ट सिटी है, जब ये 1-2 साल में हमारा बिजली का जो प्लांट है, जो पावर प्लांट है वो बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, तब देन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। अब चाइनीज आए हैं, उन लोगों में से 20-30 बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए पहले से ही उस एरिया में जहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां में उन्होंने जमीनें भी ले ली है, चीजें भी ले ली है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहुत कम आए हैं। आपके तवसत से भी उनको भी दावत देता हूँ कि वो आए और ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर स्पोर्ट में इसको होन करें। देखें हमारे बलूचिस्तान में बहुत कम ना होने के बराबर, आप मुझे एक बलोच इंडस्ट्रियलिस्ट दिखा दें, सही है, कोई बलोच इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वरना मैं उनके पास जाता, पैसे तो हैं लोगों के पास, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका कोई जाके बिल्डिंग बना के कारोबार कर लेता है, कोई फिशिंग में चला जाता है, कोई ठेकेदारी में, कोई माइनिंग में, इस तरह से चला जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास बहुत कम है जो बाकी जगहों पे है। मैं अपने बलोचों को भी दावत देता हूँ आप ही की तवसत से कि वो भी आए और इन्वेस्टमेंट करें, फिर बाद में ये रोना ना रोएंगे बाकी लोग चाइनीज। अब तो मैं कहता हूँ अब वो वक्त नहीं है, फिर पाकिस्तानी कौम बैठ के रोए कि यार चाइनीज सब कुछ ले गए, वो कोई किसी का कुछ नहीं ले जाता, अगर हम खुद काम करेंगे, अगर हम खुद मेहनत करेंगे, तो अगर हमारे पास किस चीज की कमी है, हम सब कुछ वैसा ही करते हैं, हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, बहुत अच्छे शहरी भी बनते हैं उस मुल्क का, उस मुल्क के सारे कानून को भी मान लेते हैं, वहां पर चेकिंग करवाते हुए हमारा इस्तेहकाक भी मजरू नहीं होता, सही है, वहां पर हम लोग बिल्कुल तमीज से रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्या हम लोग सिर्फ वो अच्छे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, या बाकी कौम हमारी वैसी नहीं है? नहीं, हमारा पूरा सारा कौम वैसा ही है, हमें सिर्फ अपने मुल्क को होन करते हुए यहाँ पर इस तरक्की में हिस्सा लेना है, और जब हम इस तरक्की में हिस्सा लेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान कितना खुशहाल होता है, और मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है
कि हमारे नौजवान जितने भी हैं वो मेरी बात जो सुन रहे हैं अभी वो आगे बढ़ेंगे, और वो उन्हीं का मुल्क है, उन्हीं का सूबा है, और हर मुल्क का एक हिस्सा, हर पाकिस्तानी का हक है, और उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े और काम करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत आला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे इस पॉइंट पे आपसे जानना चाहूँगा कि गवादर पोर्ट की फुली एक्टिवेशन को कैसे देख रहे हैं, कब तक ये फुली एक्टिवेट हो जाएगी? इसलिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से जब मेरी बात होती है तो एक ये भी पॉइंट बीच में आता है कि अभी तक गवादर पोर्ट की एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, ग्वादर पोर्ट में देखें, ग्वादर पोर्ट में पहले बेसिक इश्यूज थे। ग्वादर पोर्ट एक पोर्ट होता है तो कनेक्ट, जैसे आज मैं और आप इंटरनेट से एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वी बॉक्स सिस्टम होता है, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, और नहीं थी ग्वादर पोर्ट में। ग्वादर में हमारी अभी हमने बहुत सारे उसके साथ प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को कह रहे हैं, काम करके या मिन्नतें समाजतें करके, मीटिंग्स करके, स्टैंडिंग कमिटीज में बुलाकर, विजिट्स करके ग्वादर पोर्ट में वी बॉक इंस्टॉल कराया, जिसके जरिए से ग्वादर पोर्ट कनेक्टेड हो गया सारे दुनिया भर के पोर्ट से। वो इंटरनेट का इशू था, ये था, PTCL, सारी मिनिस्ट्री, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने काम किया उसके लिए, वो कनेक्टेड हुआ। उसके बाद ग्वादर पोर्ट सिर्फ जो चाइनीज कंपनीज भी वहां काम करी थी उनको सिर्फ जबानी लफ्जी हमने वो दिए हुए थे टैक्स एग्जेम्पशंस, लेकिन वो कोई उसके कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। उसके लिए भी थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, उसके लिए इवन ऑर्डिनेंस इशू किया टैक्स एग्जेम्पशंस के ग्वादर पोर्ट के। तो वो उसके आने के बाद थोड़ा से लोग मोटिवेट हुए, स्पेशली चाइनीज ज्यादा मोटिवेट हुए, उन्होंने अपना काम तेज किया। वो एयरपोर्ट है, उसका काम रुका हुआ था, वो काम स्टार्ट हो गया। बिजली का मसला, जो पानी का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हो सकता है, पानी की कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन शहर में डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पर अगर हमें 30 लाख गैलन के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ग्वादर शहर में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन 10 लाख हो रही है, क्योंकि हमारे पास इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। पीछे से 50 लाख 1 करोड़ गैलन हमारे पास डेली आ रहा है। पानी का मसला हमारा हल है, उसमें हमारे डैम्स बन गए थे जिनमें बारिशें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया, बहुत सारे डैम्स अभी भी बन रहे हैं, डिसलिनेशन प्लांट्स भी हमारे पास लगे हुए हैं, पानी का इशू रिजॉल्व है। पोर्ट के अंदर जो फेज वन में, ग्वादर पोर्ट के फेज वन में जो आपका जो फ्री इकोनॉमिक जोन है, टैक्स फ्री जोन जो है फेज वन का पोर्ट के अंदर, वहाँ चाइनीज अपने फैक्ट्री बना चुके हैं। फॉर यूर एंड फॉर अदर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, उनका कभी भी हमें 1-2 महीने में शायद वो अपना काम भी शुरू कर दें। उसके अंदर बिजली पहले से मौजूद है उनके पास, दे हैव इलेक्ट्रिसिटी इवन, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर का डेवलप हो चुका है, रोड्स हैं, M8 हमारा पूरा कनेक्टेड है पाकिस्तान से, आपने देखा होगा चाइना से। राहिल शरीफ साहब जब थे आर्मी चीफ, तब उनके दौर में एक कन्वॉय आया था ग्वादर तक चाइना से निकल के, 2-3 रूट्स पे चल के आया था कि तीनों रूट्स का पता चल जाए। तो उनको रूट्स को ज्यादा बेहतर करने की जरूरत जरूर है, लेकिन अब हम कनेक्टेड हैं, अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले बातें होती थी सिर्फ, अब रियलिटी है। अब आकर इसीलिए मैं पाकिस्तान के सारे चैम्बर्स में गया, उनसे ये दरख्वास्त की कि आकर देखें, अब देखें, अब आकर विजिट करें, और आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा ग्वादर पोर्ट इज रेडी टू सर्व। और इसीलिए ही तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड स्टार्ट करवाया। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जैसे पहले कंटेनर्स की जरूरत थी, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे जो बलोच एरियाज हैं वहां पर लोगों के पास ट्रक्स हैं, ज्यादा कंटेनर्स नहीं है, स्पेशल परमिशन दी थैंक्स टू द गवर्नमेंट, उन्होंने हमारे लोगों के लिए जो सीलेबल ट्रक्स हैं उनके जरिए से वो ले जा सकते हैं अगर कंटेनर्स नहीं भी हैं। तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मुझे अगले दो सालों में इंशाल्लाह ताला ग्वादर एक बहुत बड़ा एक्टिव पोर्ट नज़र आता है। काम तो शुरू हो चुका है वहाँ पे, जहाज़ हैं वो लंगर अंदाज हो रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपरली जो आप कहेंगे कि जहाँ पर आप कराची पोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ देखना शुरू करेंगे, तो वो अगले 2 सालों में इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता ही काम शुरू होता है, तो अगले 2 सालों में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह बाबर साहब, जिस तरीके से मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को आज ग्वादर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मेरे ख्याल में इससे पहले इतनी जो है ना वो इंफॉर्मेशन और इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन, ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड के ऊपर जो काम हो रहा है वो पहले नहीं।
तो इंशाल्लाह हम आपसे वक्तन फवक्तन और भी टाइम लेते रहेंगे, और भी जो है ना सेशन होने चाहिए, इसलिए कि जैसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि गवादर की इम्पोर्टेंस क्या है, गवादर में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने उस फायदे को 1000 गुना होते हुए भी देखा। हम लोगों के अंदर कुछ थोड़ा सा मेजोरिटी के अंदर आप वाली बात सही है कि रिस्क टेकिंग जो है वो कम है, वो होनी चाहिए, और फिर इस तरीके से ही जब हम उसके अंदर इन होते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद राजा हैं। साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। असल में ग्वादर में अभी तक जो जो हुआ है ना, वो कारोबार, वो दैट्स ऑल अबाउट लैंड। अब वहां पे जितना भी हुआ है वो सारे लैंड से रिलेटेड वो हुए हैं, ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, टूरिज्म की तरफ जाएं। मैं तो उसकी उस वो चीजें होंगी तो जिन्होंने लैंड भी खरीदी हुई है उनका भी फायदा होगा, वहां इंडस्ट्रीज लगेंगी तो कोई बंदा मजदूर भी रहेगा, मालिक भी रहेगा। फिर उसके लिए हाउसिंग स्कीम की जरूरत होगी, उसके लिए पार्क्स की जरूरत होगी, उसके लिए रेस्टोरेंट्स की जरूरत होगी। मैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि आकर करें पाकिस्तानी। अब दिस पोर्ट इज रेडी, कम इन्वेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज। आप आए, इंडस्ट्रीज लगाएं वहां पर, आप आए वहां पर, आप वोटलिंग के लिए जाएं, टूरिज्म की तरफ जाएं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट, सिर्फ लैंड देखें, कुछ लोगों ने लैंड ले लिए, कुछ लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बना लिए, वो भी तभी जाकर लोग आएंगे रहेंगे, तभी उनके हाउसिंग स्कीम्स और वो बाकी जो 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 चीजें, जमीनें कारामद हो सकती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट अबाउट बाइंग अ लैंड एंड कीपिंग इट, दैट्स यू अर्न फ्रॉम द लैंड ओनली। मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री लगाएं ताकि लोगों का फायदा हो, और दिस इज द राइट टाइम। टैक्स फ्री जोन है ग्वादर, टैक्स हॉलीडेज हैं, देयर इज नो इनकम टैक्स, नथिंग। आप आए, इन्वेस्टमेंट करें वहां पर, इंडस्ट्री लगाएं। जो जो इवन आपको एक बात बताता चलूं, अभी तो मुझे पता नहीं है, हमारे पास भी इंटरेस्ट रेट गए हैं चाइना में क्या हो। जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट कोई 16% थे, तो चाइनीज ग्वादर पोर्ट में किसी भी पाकिस्तानी फर्म को 4.5% पे लोन देने के लिए तैयार थे। यानी कि आपको चाइनीज गवर्नमेंट लोन कर रही है, आए आप अपने 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 शहर में प्लांट वो लगाएं, तो वो उनकी उनकी बैंक्स लोन करने के लिए तैयार हैं, जो वहां पे आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि वो आगे आए, इंडस्ट्रीज लगाएं, और लगाएंगे लोग, क्योंकि लोग जब फायदा देखते हैं तो जरूर आते हैं, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे और आपसे ज्यादा होशियार हैं, और ये जरूर आएंगे। दे नो द टाइम एंड इट्स द राइट टाइम। लेकिन माशा अल्लाह ताला बस हमें इससे निकाले, COVID-19 से। तो देखेंगे आप कि इंशाल्लाह ताला ग्वादर में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा कौ तो बाबर भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आप बताएंगे कि देखें हमारे पास इंडस्ट्रीज भी आएंगी और भी लगेंगी, हमारी गवादर पोर्ट भी फुली एक्टिवेट हो जाएगी, क्या हमारे पास कोई ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे खुले हैं गवादर में जो कि हमारे लोकल्स को जो है वो स्किल्ड करें, ताकि हाँ, आइंदा आने वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर हमारा वहाँ का लोकल जो इंडिजिनियस यूथ है उसको आगे आने का मौका मिले। हमारे पास एक तो एक ग्वादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो एक है पहले से ही मौजूद। और आपको एक बात बताऊं, रफली पूरे पाकिस्तान में कुछ 5 लाख के करीब हमारे पास ऑलरेडी स्किल्ड लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान जिन जो बेरोजगार है। ठीक, हमारे पास भी अभी भी वहां से जो ग्वादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से लड़के निकले हैं वो भी बेरोजगार हैं। हमें इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल जरूरत है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। ग्वादर में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बन भी रहा है, एक पहले से ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमें उसकी जरूरत बिल्कुल है। लेकिन सबसे पहले हमें उनको नौकरी के लिए भी, उन बंदों की जरूरत है कि उनके लिए नौकरी तो प्रोवाइड करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तो पैदा करें। हम लोग उनको काम का सिखा के स्किल करके बेरोजगार छोड़ दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, बावसूख जरा से कह रहा हूँ आपसे, कि कम से कम भी पाकिस्तान में 5 लाख स्किल ट्रेंड हमारे पास यूथ मौजूद है और वो बेरोजगार है, उसके लिए हमें नौकरी की जरूरत है। सही है, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे एक, मैं नाम कोट नहीं करते हुए अपने एक कुलीग का जिक्र करूं, कि एक ब्रीफिंग दी जा रही थी हमें सीपैक के मुतल्लिक, तो वो उनसे पूछा जा रहा था कि बताएं जी कितने आपने स्किल्ड लोग अभी तक किए हैं, तो बताया गया कि 5 लाख कुछ लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी स्किल्ड हैं। तो वो कह रहे थे ये तो कम है, मैंने वहां पर रिजिस्ट किया, मैंने कहा 5 लाख लोग बेरोजगार नौकरी पे हैं। कहते नहीं, मैंने कहा 5 लाख लोग बेरोजगार भी तो हैं, स्किल करके आप किसी को बेरोजगार रखते हैं, पढ़ा लिखा के बेरोजगार रखते हैं, आप सबसे बड़ा गलत गुनाह काम कर रहे होते हैं।
मैं ये स्पीच चीज के हक में हूँ कि आप स्किल्ड करें लोगों को, साथ में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करें। प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका लड़का जब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से निकल रहा हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक जॉब क्रिएशन हो रही हो, उनके लिए कहीं ना कहीं एक कारोबार इंतजार कर रहा हो, कहीं ना कहीं उनके लिए कोई नौकरी इंतजार कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। हमारे जो पहले से जो ग्वादर एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, वो हमारे शुक्र है थैंक्स टू आर्मी अगेन कि उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी फंडिंग कर रही है, तो वहाँ पे उन्होंने काफी लड़कों को माशाल्लाह से स्किल्ड किया हुआ है। और अभी भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर थैंक्स टू अगेन चाइनीज गवर्नमेंट, उन्होंने हम लोगों को ग्रांट दिया, उससे हमारी सारी वो उसका काम भी शुरू हो चुका है, वो भी बन जाएगा। उससे पहले हमारे पास अपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे लड़कों को। और मेरा ये आपसे फिर से आपकी तवज्जो से भी डिमांड कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं हर फोरम पे हर मीटिंग्स में ये डिमांड करता रहा हूँ कि जैसे एयरपोर्ट है पाकिस्तान ग्वादर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, तो सिविल एविएशन को चाहिए कि ग्वादर के लड़कों को वो ले जाके ट्रेन करे। उसी तरह से पावर प्लांट जो बन रहा है हमारे पास, मैं हर जगह मैं ये कर चुका हूँ ऑलरेडी, गवर्नमेंट से इन रिटर्न मैं उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जब पावर प्लांट बन रहा है उसके लिए हमारे लड़कों को इंटर्नशिप पे ले जाएं और उनको करें। पोर्ट के मिनिस्टर ने मुझसे कमिटमेंट किया हुआ है कि वो ज़रूर पोर्ट से रिलेटेड हमारे लड़कों को ले जाएंगे और ट्रेन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी भी ट्रेन वहाँ पर पोर्ट में तो हैं लड़के कुछ जो ऑलरेडी काम करते हैं ग्वादर पोर्ट में, और ग्वादर पोर्ट के अंदर भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि उनको बाकी पोर्ट्स में जैसे केपीटी हो गया और हमारा दूसरा पोर्ट कासिम हो गया, वहाँ पर भी उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो सारे जो फंक्शंस हैं वो सीख सकें। तो ये मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट से, इदारों से कि भाई हमारे लोगों को ट्रेन करें। और वोकेशनल ट्रेनिंग की मैंने आपको जैसे बात बताई कि देखें जहाँ पर थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ बोलूँगा, शायद इख्तलाफ भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद सिखा देती हैं। पहले वो आप चीज़ें पैदा कर दें, लोग सीख जाएंगे, उनको पता चले कि उनके लिए काम है वहाँ पर, तो वो निकल पड़ेंगे सीखने के लिए। अब अगर हम इंस्टीट्यूट जितने भी बना दें और अपॉर्चुनिटीज़ ना दें तो फिर उनके साथ भी वो गलत होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशंस भी बन भी रही हैं और मौजूद भी हैं, तो मेरी बस दुआ है कि उन लड़कों को अल्लाह सब्र दे और उनके लिए जल्द अज जल्द हम कोई अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकें। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मुझे आप जो है ना वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट, फिर इलाके की डेवलपमेंट, कोस्टल हाईवे का बनना, फिर इस तरीके से जो है ना सीपैक के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, इन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोकल जो आबादी है उसके ऊपर कैसे हो रहा है और आगे चल के उसको क्या क्या फ़ायदा होगा? जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि पानी का एक बहुत बड़ा इशू था वहाँ पर, लेकिन अभी काफ़ी उसके ऊपर काम हुआ है, तो लोकल आबादी जो है वो किस तरीके से एज अ बेनिफिशियरी वहाँ पे? देखिए लोकल आबादी हमारे पास नियर बाय कोई 3 लाख एवरेज हमारी आबादी है, अगर 3 लाख कमोबेश डिस्ट्रिक्ट की, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो ग्वादर शहर वो खुद 1.5 लाख की आबादी है शहर की, जो टाउन है ग्वादर टाउन। ग्वादर की अगर हम बात करते हैं तो ग्वादर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे पास उरमाड़ा है एक टाउन, जो उसके जो मेन टाउन है उरमाड़ा है और पसनी है, और ग्वादर इट्सेल्फ और जीवनी, ये 4 मेन टाउन है। फिर सबर्ब्स और इट्स अ लॉन्ग कोस्ट, कोई 500-600 किलोमीटर लंबा कोस्ट है ये पूरा, बिल्ट भी हमारा बड़ा लंबा है। तो ये बुजी टॉप से स्टार्ट होता है, जीवनी को एंड होता है, ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा। वहाँ पर बहुत सारे लोग तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो माइगिरी से रिलेटेड हैं, रोड बनने के बाद उनकी मछलियाँ अब मंडियों तक पहुँच भी जाती हैं, उनकी मछलियों की कीमतें भी ज़्यादा होगी। इनफैक्ट मैं तो उनसे शिकायत करता रहता हूँ कि यार पहले हम लोग जब छोटे थे तो मछली सस्ती मिलती थी, अब तुम लोगों ने बहुत महंगी कर दी है। तो कहते हैं कि मछली बेच देते हैं कराची या कहीं और शहर या कहीं और, ईजीली चला जाता है। वो मकरान कोस्ट हाईवे बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे माहीगीरों को हुआ है, वो कनेक्ट हो गए पूरे मुल्क से। उनका जहाँ पे आप कुंड मरीन में जहाँ आप जाते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा एक माईगीर उनका एक इलाका है, वहाँ पर कोई बहुत मुश्किलों से मछली ला के डाम में फेंकते थे वो लोग, लेकिन अब वहाँ पर गाड़ी रोड से आती जाती है और वो 2 घंटे में 3 घंटे में कराची में अपना माल दे रहे होते। तो माईगीर हमारे जो थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थे, पर हमारे इलाके के लोगों का एरिया बॉर्डर एरिया लगता है, बॉर्डर ट्रेड अगर हम इस्टेब्लिश कर दें
तो ईरान से बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे बॉर्डर ट्रेड से हमारा इलाका हमेशा खुशहाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्वादर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ और वहाँ के लोकल्स की बात करूँ, तो अब लड़के पढ़ लिख गए हैं। जैसे मैं जहाँ से पढ़ाऊँ, मैं केड कॉलेज से पढ़ाऊँ मस्तोंग से, उस वक्त एक ही केड कॉलेज था पूरे बलूचिस्तान में। अब हमारे पास, मुझे 48 घंटे लगते थे ग्वादर से कॉलेज पहुंचने में, बाय रोड जाता था तो मुझे 48 घंटे लगते थे। अब 3 घंटे के फासले पे उरमाड़ा में केड कॉलेज हमारे पास मौजूद है, रेजिडेंशियल कॉलेज 2 घंटे पे हमारे पास तुर्बत में मौजूद है, ग्वादर में खुद GDA के अपने इंस्टीट्यूशन हैं, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ है, आबादी बढ़ी है, तो लड़के बेरोजगार भी बहुत हुए। उनके वो पहले हमारे पास एक और सपोर्ट भी था कि गल्फ में हमारे लोग, ओमान में ग्वादर का, चूंकि ओमान के साथ बड़ा ताल्लुक है, तो ओमान में हमारे अगर कोई बंदा काम करता था वो भी उनकी फैमिली, यानी कि एक भाई यहाँ रह रहा है तो दूसरा भाई वहाँ रह रहा है, तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलती थी। लेकिन कोई कब तक किसी को, फैमिलीज बढ़ती जाती हैं तो इंसान कब तक किसी को सपोर्ट करता रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को वहाँ पर अब करके हमें देनी थी, और हमने जो अपनी तरफ से करने की कोशिश की वो यही था कि हमने पोर्ट के फंक्शनल होने के लिए जो जो चीज़ें हर्डल्स थी, मैंने स्पेशली अपनी तरफ से जो मुझे था वो मैंने, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अपना फ़र्ज निभाया है, और पोर्ट को फंक्शनल करेंगे, वहाँ पोर्ट से एक्टिविटीज़ होंगी तो ग्वादर के लोगों के अलावा बाकी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को युद्ध को रोज़गार मिलेगा। तो वो ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली फंक्शनल हो, और उसके लिए मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें तैयार हैं, बस 1-2 साल में इंशाल्लाह ताला इस्टेब्लिश भी हो जाएंगी। काम मिलना ये नहीं है कि 2 साल बाद किसी को काम मिलेगा, 2 साल में आप प्रॉपरली उसको फंक्शनल देखो, काम मिलना तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही आप देखेंगे, जब ये हमारे शिप शुरू हो जाएंगे तो उसी से ही बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है, और जब तक हिम्मत है, अल्लाह हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह सिर्फ ग्वादर के लिए नहीं, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए कोशिश करता रहूंगा जितना मेरे हाथ में होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह व्यूअर्स, आपको जो है वो बड़े एक एनर्जेटिक, हमारे दोबारा मैं यूज़ कर रहा हूँ, यंग सेनेटर, वो खुद तो कदो बाबर साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने वो क्रॉस कर लिया बॉर्डर, बट आई फील इट सी सच अ एनर्जी एंड सच अ स्मार्ट एनर्जी, सच अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान इज़ एक्चुअली। ये पाकिस्तान है जिसके अंदर जो है वो एक करंट है, एक ऐसी जान है कि कैसे भी हालात हों उसके अंदर हमारे अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, हमारे अंदर वो एनर्जी है, हमारे अंदर वो जान है कि ना सिर्फ हम खुद बाहौसला हैं, हम अपनी कौम को भी हौसला देते हैं कि जी आप भी हिम्मत करें, हम भी हिम्मत के साथ आपके साथ खड़े हैं। आपके कोई भी सवालात हों, वैसे तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पुरसर तरीके से डिटेल के अंदर जो है ना वो खुद बाबर साहब बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो मैंने पहले भी बोला कि इतने अच्छे तरीके से मुझे सुनने का मौका नहीं पहले मिला ग्वादर के बारे में। इस तरह के अगर 10-15 और प्रोग्राम हुए होते तो आई एम वेरी मच श्योर के कई और इंडस्ट्रीज जो है ना वहाँ पे हम अभी तक लगवा चुके होते हैं लोगों के वो फियर्स और वो जो है ना मिसकंसेप्शन क्लियर करके। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई ऐसे सवालात हों जो के उससे हट के हों जो के वो बता चुके हैं, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिए, आई विल स्क्रोल डाउन इन द एंड, आई विल रेज द क्वेश्चन एंड गेट यूज आंसर। सर सारी बातें हो रही हैं, बलूचिस्तान की तरक्की की बात हो रही है, बलूचिस्तान की अमन की बात हो रही है, ग्वादर के अंदर हमारी फिशरमैन कम्युनिटी की बात हो रही है, टूरिज्म की बात हो रही है, इन सब हालात के अंदर हमें मालूम है कि हमारा बलूचिस्तान, हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम CPAC को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। आपने जैसे बात की, मैंने ये बात तक काफ़ी मुल्कों के काफ़ी दोस्तों से, सीनियर पढ़े लिखे लोगों से की, जिसके अंदर जो टॉपिक था, जो थीम था, वो था चाइनाज इन्वेस्टमेंट। तो मुझे जो एक आंसर आया वो आप हैरान होंगे कि सबका जो जवाब था उसका सेंट्रल आइडिया सेम था, वो ये था कि चाइना डज नॉट इन्वेस्ट विदाउट एनी रीजन। चाइना जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बहुत हद तक रिसर्च करके फिर किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमारे पास जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल भी है, अगलों को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, हमारे लोगों को भी फायदा होगा, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी और आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो सवाल है मेरा आपसे कि इन सब हालात के अंदर एक मुल्क ऐसा है जिसको ना बर्दाश्त हो रहा है, ना हजम हो रहा है, ना उसको समझ आ रही है कि मैं क्या करूँ। वहाँ पे कभी वो कुलभूषण यादव की सूरत में इनसर्टिनिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है,
कभी वो कराची के अंदर जो है वो लंदन से लोगों को बता के वो हालात खराब करने की कोशिश करता है, कभी वही है जो हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों, हमारे मंदिरों और हमारे चर्चों पे हमले करवाता है, और वही है जिसने कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान बहनों भाइयों की जिंदगी अजीरन कर दी है, और ये वही मुल्क है जिसने हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बाकी अकलियतें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो लो कास्ट के हिंदू हैं, जिन्हें जो हमारे दलित बहन भाई हैं, जो हमारे सिख बहन भाई हैं, उनकी भी जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है। बलोचिस्तान के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है, बलोचिस्तान के साथ जो उसकी दुश्मनी है, आपके अल्फाज में, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैं सुनना चाहूंगा। देखें भाई, सीधी सी बात है, इंडिया में जो माइंडसेट अभी बैठा हुआ है, स्पेशली मोदी की शक्ल में, वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात करते हैं। उन लोगों के पास अगर इतनी सोच होती कि वो इंसानियत की बात करते, जो इंडिया एक अपना, इतने 60-50 सालों से इंडिया अपना पूरी दुनिया को एक एक अलग शक्ल दिखा रहा था कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लिबरल है, तो कौमियत का मसला नहीं, तो मजाहब का कोई इशू नहीं। वो तो अगले पिछले 5 सालों में उसने, मोदी ने खुद ही दुनिया को दिखा दिया है। हमें देखें, कहते हैं, जब वो कहते नहीं है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, तो ये तो खुद बेवकूफ दुश्मन हमें मिल गया है एक। हमें इसके लिए कोई परेशान होना नहीं चाहिए। दूसरा, बाकी जब भी आएंगे हम चाय पिला के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। जब भी पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो उन्होंने अपना हाल भी देखा है। तो ये चीजें देखें, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कुछ, अब बलूचिस्तान के लोग वो बलूचिस्तान के लोग नहीं रहे कि आप उनको बहका के या उनको अपने हकूक की खातिर आगे बढ़ा के। हाँ, हर कौमों में, हर मुल्क में इस तरह के लोग जरूर होते हैं जो लालच में हैं, पैसों की लालच में मुल्क से गद्दारी कर बैठे। जो गद्दारी कर बैठे हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है, वो आप ही के पास, चाहे उन्हीं के पास बैठे हुए हैं, वो उन्होंने खुद बिठाए हुए हैं, किसी को कहीं किसी मुल्क में बिठाया हुआ है तो किसी को किसी मुल्क में बिठा के फिर पैसे दे रहे हैं। देखें, वो कभी पाकिस्तान से राजी नहीं हुए। हम अपना हिस्ट्री देख लें, हमने बहुत बार ट्राई किया है उनके साथ, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान अब भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी भी लास्ट भी अपना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ऑफर की है कि आप आए बैठे हमसे बात करें। कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप और मैं देख रहे हैं, जो बर्दाश्त, देखें जो दुनिया लॉकडाउन में चली गई है, अब दुनिया वालों को भी अंदाजा होना चाहिए कि यार उनको तो जबरदस्ती बिठाया हुआ है, उनके मरीजों में तो फिर भी हॉस्पिटल जाने की इजाजत है, हमें मोबाइल फोन्स और चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत है। उनके साथ जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये शायद अल्लाह ताला ने हम लोगों को, पूरी दुनिया को भी दिखा दिया कि ये देखो ये हो रहा है अब उनके साथ वहां पर। तो वो जिनकी नीयतें खराब होती हैं, मेरा तो ये ईमान है, वो मुल्क में जैसे सरबरा, जैसे लोग, जिस तरह की हुक्मरानी वो कर रहे हैं, उनकी नीयतों की खराबी का पूरी दुनिया को पता चल रहा है, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। वो अब हमें इंशाल्लाह हमें हमें और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, ना ही बलोच कौम को, ना ही पाकिस्तान में जरूरत कर सकेंगे कि वो कुछ कर सकें। बाकी रहे कारोबार और चीजें, हमें भी अपना बिजनेस स्टाइल, बिजनेस चीजें, के बहुत सारे मुल्क आपस में दुश्मन रहते हैं, वे भी काम करते हैं, ट्रेड चलता है उनके दरमियान, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा ये कुछ होता है। यही चाइना और इंडिया का बहुत सारा तिब्बत पे यहाँ वहाँ इशू रहा है, कारोबार चलता है, कभी कभी चाइना और अमेरिकन दे मे बी एड इच अदर बट, लेकिन कारोबार सबसे ज्यादा उनका आपस में ही है। तो कुछ कारोबारी चीजें हैं वो हमें देखनी चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। बाकी कंप्रोमाइज ना हमारी कौम ने कभी किया है, पाकिस्तानियों ने ना कभी उसके सामने करेगी इंशाल्लाह। इंडिया को ये कौम हमेशा से, इंडिया ने जब जब कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है, मैली आंख से हमारी तरफ देखा है, तो इंडिया को उसका ऐसा जवाब दिया गया है पूरी कौम की तरफ से कि वो भी इस बात को जानते हैं। प्लस डोंट फॉरगेट कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे हमारी तरफ देखना और हमें ललकारना कोई आसान बात नहीं है। और अगर कोई अपना, अपने आप को खुश करने के लिए, अगर कोई अपना दिल खुश करने के लिए बैठ के पाकिस्तान को कब्जा भी कर ले तो कर ले वो ख्वाबों में, वरना पाकिस्तान ऐसा कमजोर मुल्क नहीं है कि जैसे इंडिया जैसे मुल्क में, जहाँ पर जिनके हुक्मरानों की नीयतें ही, मुझे तो अल्लाह पे ईमान है कि जिनके हुक्मरानों की नीयतें ही सही ना हो तो वो मुल्क कभी इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क को, ऐसे लीडर कभी हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बात को क्लियर किया। बाबर साहब, यहाँ पे
हम इस चीज को यानी समझ सकते हैं कि इंडिया की जो असल तकलीफ है, इंडिया का जो असल मसला है वो बलूचिस्तान नहीं है, इंडिया का बलूचिस्तान के साथ कोई और इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया कोई का बलूचिस्तान। हमदर्दी नहीं है इंडिया का किसी, इंडिया का अपने, जब अपने लोगों के साथ जब हमदर्दी ना हो किसी का, वो बॉर्डर पार जाके किसी से हमदर्दी, क्या करेगा? वो ये तो ये नहीं, क्या करेगा वो हमदर्दी? वो अपने लोगों के से ज्यादा हमदर्द रहे, अपने लोगों से मोहब्बत करे, अपने लोगों से प्यार करके दिखाए, और अपने लोगों से जो कोई हमदर्दी नहीं रखता, वो बलूचिस्तान से क्या खाक हम दे देगा? वो पाकिस्तान के दुश्मनी में कुछ बेवकूफ बलोच जो है उनकी मदद करना चाहता है, और वो बलोच भी मेरे ख्याल से अब वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि या तो वो मुल्क वापस नहीं आते, या तो इतने कम, या तो वो मौजूद ही नहीं है बलूचिस्तान में। बिल्कुल जी। और ये है कि एक टाइम आएगा कि मैं फिर दोबारा इस बात की एक पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग जो कि हमारे बच्चों को मिसगाइड, हमारे जवानों को मिसगाइड करने का जिन्होंने ठेका लिया, या उसके लिए उन्होंने पैसा लिया या अपने आप को बेचा, तो वो इसके अंदर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और अब हमारे जो जवान हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि देखें, जमीन हमारी है, मुल्क हमारा है, धरती हमारी है, हम एक हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद, आरएसएस का गुंडा जो है उसके कहने पे, उसकी बातों के अंदर आके हम कोई अपना नुकसान करें। अब यहाँ बेशक पे मैं एक चीज एडअप करने जा रहा था यहाँ पे कि असल जो इंडिया के पेट का दर्द है वो कश्मीर है, इसलिए पाकिस्तान एक पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क है जो कि कश्मीर के लिए, कश्मीर की हक़ खुद इरादी की बात करता है, कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट की बात करता है, कश्मीर की आजादी को सपोर्ट करता है। और समझे, रोजे अव्वल से लेके आज तक हमारा जो तो अब मैं ऐड, एक आपकी बात को काटते हुए ऐड करूंगा, बोलूंगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसकी इंशाल्लाह, बात बिल्कुल करता हूं मैं बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह। तो अब वो ये सारी असल में तकलीफ कश्मीर की है। अगर आज पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट करना छोड़ दे तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो कश्मीर की है इस टाइम उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें मसला ही कश्मीर है ना उनके लिए, उनको देखें किसी, मैं यही तो कह रहा हूं, यही कश्मीरी ये प्यार मोहब्बत देते तो कोई किसी को क्यों, कोई क्यों लड़ेगा अपने मुल्क से? कश्मीरी कभी ना उनका हिस्सा थे ना रहना चाहते हैं, तो वो जबरदस्ती अगर किसी को कोई रोकता है तो रिजल्ट यही होता है। तो आपने उसको बंद करके रखा है, और उनको अगर निकालें बाहर ना कश्मीरियों को, जरा आने दें बाहर, रोडों पे आने दें, दिखाएंगे आपको यही कश्मीरी के वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप करें ना यूनाइटेड नेशंस के वो करारदादों पे अमल करते हुए, करा दें वहां पर, आप इलेक्शंस करवा दें वहां पे, आप पोलिंग करा दें, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, आपके साथ रहना है उन्होंने नहीं रहना है, जरा आप अमल तो करें उन चीजों पे। आप दावेदार बनते थे, चैंपियन बनते थे, डेमोक्रेसी मुल्क करार देते थे उसको, आज पूरी दुनिया के सामने उनकी असलियत सबको पता चल चुकी है। तो मुझे, मैं इंडिया को अपने मुल्क के लिए कोई खतरा नहीं समझता, लेकिन एक जालिम जरूर समझता हूँ जो जुल्म कर रहा है कश्मीरी आवाम पर। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। कोदा बाबर साहब, मैं चाहूंगा कि मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि आज मेरी दिन के अंदर इंटरव्यू में बात हो रही थी ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैफ मलिक साहब से, तो पॉइंट ये कि मुख्तलिफ किस्म के इंडिया से वक्तन फवक्तन लोग बयानबाजी करते हैं, ये वो लोग हैं। वैसे कैडर अगर आप उनका चेक करेंगे तो ज्यादातर वो उस कैडर पे उतरते ही नहीं है कि उनकी बात को ज्यादा सीरियस लिया जाए। लेकिन फिर भी देखें, मीडिया जब किसी चीज़ को फोकियत दे रहा है, किसी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स लाजमी है। तो यो इस तरह के जो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर, मैं सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर समझे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हमारे बलूचिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इनको ज़रा आप जो है वहां से जवाब दें और बताएं कि आप कैसे देखते हैं और इनको क्या जवाब देना चाहेंगे। मैंने अभी रिसेंटली, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि ये एक मेजर भी निकला था जो बता रहा था कि मेरे पास, मेरे मोबाइल फोन में फिलां सरदार का नंबर है, फिलां सरदार का नंबर है। तो वो सारे सरदार अपना जवाब दे चुके हैं। अगर उनके बुकटी की बात करें तो जो बुकटियों के जो चीफ हैं वो अकबर खान बुकटी के पोते हैं, वो MP हैं बलूचिस्तान में हमारे, वो अपना जवाब दे चुके हैं। अगर वो मेंगलों की बात करें तो मेंगल सरदार कोलिशन में है प्राइम मिनिस्टर के साथ, अख्तर मेंगल साहब,
वो अपना उनका उनका जो रवैया है इस मुल्क में, जो वो काम कर रहे हैं, वो खुद उनके लिए एक जवाब है कि वो क्या किस साइड पे हैं। अगर वो मरियों की बात करते हैं तो मरियों का सरदार हमारी पार्टी में है और वो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में है, और वो किस और किन की बात करना चाह रहे हैं, वो किस किस की तरफ इशारा कर रहा है, वो चंद लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, जो चंद लोग कहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो जिनका ज़मीर नहीं होता, जिनका कोई अब देखें अब वो बहाने नहीं रहे किसी के कि मैं हकूक की खातिर लड़ रहा हूँ, बलूचिस्तान के हकूक की खातिर लड़ रहा हूँ। भाई कौन से हकूक की खातिर लड़ रहे हो? तो हकूक की खातिर लड़ रहे हो तो ज़रा बताओ ना वो हकूक कौन से हैं जो तुम्हें मिल नहीं रहे, ठीक है? अब तो वो बहाने नहीं रहे। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ लोगों को कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह वो दिन आएंगे, आपके तवसल से आज मैं फिर बोलता हूँ, पाकिस्तान में वो दिन जरूर आएंगे इंशाल्लाह जब इन सियासतदानों को, मेरे जैसे सियासतदानों को पानी बिजली स्कूल रोड सड़क की वजह से आप वोट नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिल चुका होगा अगर आप और मैं खुद चाहें तो इंशाल्लाह। जब हमें सड़क रोड पानी बिजली ये सारी चीजें मिल चुकी होंगी, स्कूल हॉस्पिटल्स ये सारी चीजें, फिर हमारे सियासतदानों के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि वो आपके पास वोट मांगने आएंगे तो कौन से विजन के साथ आएंगे, कि आप वोट भी अपना सही हक इस्तेमाल करोगे। उसी तरह से जब बलूचिस्तान के लोग हैं वो आकर बताएं ना, मैं बताता हूँ, मैं जाता हूँ छीकता हूँ जो चीज मेरे पास कम होती है। अब ग्वादर में मैंने आपको कहा पोर्ट था, फंक्शनल नहीं था, 2 साल लगे मुझे चीखता रहा असेंबलीज में, आप वहाँ पे मीटिंग्स में हर तरह की चीज कोशिश करता रहा, मिन्नतें करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्वादर पोर्ट फंक्शनल है। सबसे पहला इशू था कि ग्वादर का जब मास्टर प्लान बन रहा था तो उसको ग्वादर शहर को के लोगों को ये लोग हटाना चाहते थे वहां पे पहले मास्टर प्लान में, लेकिन जब मैं GDA का जब एडवाइजर बना वजीर आला का, तो मैं क्योंकि वहां का नुमाइंदा था, मैं जानता था ग्वादर का, और प्लस मैं वजीर आला का एडवाइजर था और मैं उसी डिपार्टमेंट से ही था, तो मैंने उसी दिन से ही ये चीज वहां पर फ्लॉट करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि हमारे शहर के लोगों को शिफ्ट ना करें। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप तरक्की करते हुए लोगों को उठा कर दूसरी जगह फेंक दें, आप इनको इस तरक्की में शामिल करें। बात समझाई, गवर्नमेंट के समझ में आई, मास्टर प्लान में उनको उसी जगह रहने दिया गया। उसी तरह से अगर किसी को कोई शिकायत है, आज मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से आपको कहता हूं, दावत देता हूं, किसी भी बलोच को कोई शिकायत है वो आकर बोले बताए, अगर वो शिकायत पूरा नहीं होता तो फिर मैं भी उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ नारा लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ नारा कोई नहीं लगाए। ये मुल्क है तो हम हैं, ये शहूर देना चाहिए। देखें पहले एजुकेशन नहीं था, मैंने आपको कहा मैं स्कूल से जब पास आउट हुआ तब हमारे पास एक इंटर कॉलेज था ग्वादर में, एक इंटर कॉलेज, आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 कॉलेजेस हैं। तो इस तरह से जब एजुकेशन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग खुद जहन उनका चेंज हुआ है, और वो अब वो पहला वाला बलूचिस्तान नहीं है कि आप जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, स्पेशली इंडियंस, कि आप जाके लोगों को समझाओगे कि यार नहीं तुम्हारे हकूक मारे जा रहे हैं, जिसके हकूक मारे जा रहे हैं तो हम बैठे हैं, हमारे लोगों के अगर हकूक मारे जाएंगे तो हम छीकने के लिए हैं, और काफी लोग हैं, हम स्पेशली बलूचिस्तान से काफी लोग हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके तौसे से एक और बात, हम लोगों ने बलूचिस्तान में जो नेशनल असेंबली में हमारी सीट्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए भी हमने एक वो असेंबली में बिल मूव किया हुआ है, तो ज्यादा नुमाइंदगी होगी इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोगों की, अपने ग्रीवेंसेस बताएंगे। तो मुझे, मैंने आपको कहा ना, इंडिया मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, एक जालिम है बस। बहुत आला, बहुत आला सर, बहुत खुशी हुई ये सारे जो है ना आपके जवाबात सुन के, और ये जवाबात मुझे ऐसे ही लगता है कि ये वही जवाब है जो कि एक अगर मैं सुनता हूँ क्वेटा का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से देता है, या एक जो है ना वो पिशिन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से देता है, और एक जो ग्वादर का रिप्रेजेंटेटिव हमें दे रहे हैं, तो ओवरऑल जो है हमारा विजन एक है, हसीयत कौम एज अ पाकिस्तानी हम सब एक हैं, हम एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक सोच पे काम कर रहे हैं, और जैसे आपने बात की कि हमारी गवर्नमेंट के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क है तो हम हैं, हम हैं तो मुल्क है, और हम जो हैं वो मुल्क के लिए समझे कि हमारा सब कुछ कुर्बान है। आखिर में मैं चाहूँगा कि आपके जो हैं वो 3 पैगाम, पहला पैगाम जो है वो बलोच यूथ के लिए आपका क्या पैगाम देना चाहेंगे,
दूसरा पैगाम पाकिस्तानी यूथ के लिए और तीसरा दुनिया के जवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखें जी, बलूचिस्तान के यूथ को मैंने एक पैगाम एक शेर लिखकर भी दिया था कि पढ़ो पढ़ो और बस पढ़ो। तालीम ही वो रास्ता है जो हम लोग, देखें हम थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर से, दो चीज़ें इंसान को शहूर देती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेट करती हैं जो लोगों को, जैसे अरब थे, अरबों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, अरबों ने रहना सहना सीख लिया। ये आपके पास बिल्कुल करीब में आपके पास एक मिसाल है, या तो या वो यूरोपियन थे या अमेरिकन थे जिनको सैकड़ों साल लग गए, सैकड़ों साल, अरब को 30 साल में, सारे अरब कंट्रीज पैसा आया, 30 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अरब सेट हो गए सारे, सबको समझ आ गई कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे रहना सहना तरीकाकार सीख गए। इंफ्रास्ट्रक्चर अल्लाह ताला अगर हमें इस तरह अमीर बनाता, या अल्लाह ने हमें, शुक्र है हमारे पास नेमतें तो सारी हैं, लेकिन अगर हमारे पास इतनी कम आबादी होती और जैसे उनके पास है, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपने आप को फौरन से ही लोगों में शहूर, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एजुकेट हो गए लोग, हमें पढ़ना चाहिए, हमें, हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, चाहे उसमें 10 साल लगे 20 साल लगे, हमारा भी फ़र्ज बनता है, हर गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि वो यहाँ पर यूथ को, स्पेशली बलोच यूथ को वहाँ पे एजुकेशन की तरफ लगाए, तालीम की तरफ लगाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारे लड़के खुद अब एजुकेशन की तरफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हम सबसे ज़्यादा अगर रेशो निकालें तो सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से जो परसेंटेज है बलूचिस्तान में गुर्बत की है और अनएजुकेटेड लोगों की है। तो हमें स्कूल्स की तरफ, इंस्टीट्यूशंस की तरफ तवज्जो देना चाहिए, हम अपना फ़र्ज ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन मेरा अपने नौजवानों से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि वो तालीम की तरफ जाएँ। तालीम का मतलब ये नहीं है कि डिग्री ले ली और आप नौकरी की तरफ भाग गए, तालीम का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आपको आपको समझ आ जाए ज़िंदगी की, आप और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हों, हमारे टीचर हजरात भी ऐसे हों कि वो हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, हमारी बच्चियों को, उनको उस हिसाब से, उस तरह से गाइडेंस दें कि उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, वो एक उनको डिग्री हाथ में लेकर कोई नौकरी के पीछे भागने वाला ना बनाए, उनको एक अच्छा इंसान बनाए। तो अपने बलोचों के लिए मेरा यही है कि वो पढ़ें और पढ़ें और सिर्फ पढ़ें, और बाकी पाकिस्तान का यूथ दैट्स लाइक सेम, उनके लिए भी कि वो एजुकेशन की तरफ, सबसे पहले एजुकेशन। और मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे विलेज साइड एरिया हैं, जितने हमारे दही इलाके हैं, वहाँ पर एजुकेशन में बहुत काम की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। और आप लोगों का ये मुल्क है, आपने इस मुल्क के लिए, आपने इस मुल्क के लिए खड़ा होना है। मैं शायद हूँ ना हूँ कल, लेकिन आप और ये मुल्क, अल्लाह ताला इस मुल्क को और आप सबको सलामत रखे, और मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से इस बाबरकत महीने की, ये रात है रमज़ान की, तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से और इस हालात से, ये आपका और मेरा, देखें सबसे ज़्यादा नौजवान है इस मुल्क की आबादी के लोग, हम सारे नौजवान यहाँ पर रहते हैं, तो अल्लाह का ये भी शुक्र है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस वबा से भी महफूज रखे, फिर आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग इस मुल्क को एक सिर्फ हमारे जैसे पॉलिटिशियंस को गालियां ना दें, यहाँ पर भी आएँ, यहाँ पर भी हिस्सा लें, आप लोगों का मुल्क है, आप भी पॉलिटिक्स देखें, सियासत असल में हमारे नबी ने भी किया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी सियासत किया है, लेकिन उनका उनका सियासत खिदमत का नाम होना चाहिए, ना कि अपने ज़ात के लिए होना चाहिए। आप इस फील्ड में भी आएँ, आप बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस तरफ भी जाएँ, आप इस मुल्क के लिए, हर एक बंदे को पाकिस्तान को ओन करना है। आप जब इस मुल्क को ओन करोगे, आप जब कहोगे कि ये मुल्क मेरा है, जैसे अपने घर को हम ओन करते हैं, या अपने मोबाइल को हम ओन करते हैं, या बाकी हर चीज़ जिसे आप लोग अपना समझते हैं, अलग करें कि हम सब इस मुल्क को जब अपना उस तरह समझेंगे जैसे अपने माल, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने घर को समझते हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे हम सब पाकिस्तानियों को और स्पेशली यूथ को, वो इस मुल्क को भी उसी तरह से अपना समझें और इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें, काम करें। एंड अदर देन दिस देयर इज अ यू इंसिस्टेड फॉर द यूथ ऑफ द वर्ल्ड, सो
they are supposed to be like unity between everyone. There shouldn't be religious issues between the youths. You have the right to live. Everyone has the right to live, whatever the religious issues or whatever you do. But they have to have the unity. There shouldn't be any differences. There shouldn't be any boundaries. There should be love. So for them, spread the love, love each other, live life. Thank you. Excellent. Thank you very much, Senator Kauda Babar Saab. It was a really wonderful session, a very lively session. मैं personally मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत अरसे से आपको जानते हैं और जिस तरीके से आपने माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से इतने आसान अल्फाज में सारी चीज़ें बयान की हैं, तो पहले नंबर पे तो बहुत शुक्रगुजार है आपका कि आपने जो है बहुत सारा टाइम जो है वैल्यूएबल टाइम जो है वो सब व्यूअर्स के साथ, सब ऑडियंस के साथ, पाकिस्तान के और बाहर के, उनके साथ शेयर किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि हम लोग एक कौम हैं, किस तरीके से एक कौम आगे चलती है और किस तरीके से हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा टाइम आपसे मिलता रहे और मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो रेलिवेंट हों स्पेशली गवादर के हवाले से, उनको हम प्रमोट करें, उनके ऊपर काम करें, ट्रैवलिंग के ऊपर भी काम करें, टूरिज्म पे काम करें ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़े, वहाँ पे लोकल्स को जो है वो कारोबार के और मौके मिले और पाकिस्तान का एक जो रियल इमेज है, कई जगह पे लफ्ज़ यूज होता है सॉफ्टवेयर इमेज, तो मैं उसको फौरी तौर पे काउंटर करके बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर तो अपनी जगह है ही है, आप इसको बोलिए रियल इमेज, जो हमारा रियल इमेज है उसको हम आगे दुनिया को दिखाने के काबिल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। You are the one.